टीवी के सबसे कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स आए जिन्हें इस शो में प्यार हो गया, तो वहीं कुछ ऐसी जोड़ियां भी घर में आईं जिन्हें यहां पर अपने प्यार का एहसास हुआ और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इस खास रिपोर्ट में जानिए कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में। अभिनव शुक्ला और रूबीना दिलाइट ने पिछले एपिसोड में हिस्सा लिया था। इस शो पर दोनों ने खुलासा किया कि वो जल्द ही तलाक लेने वाले थे, लेकिन बिग बॉस के जरिए एक दूसरे को एक और मौका देना चाहते थे। खुशी की बात ये है कि अभी ये दोनों साथ हैं और ये जोड़ा जल्द ही बेबी प्लानिंग भी करने वाला है। बिग बॉस 14 में जैस्मिन भसीन को सपोर्ट करने आए अली गोनी की तो बात ही कुछ और है। अपनी दोस्त को सपोर्ट करने पहुंचे अली गोनी ने नेशनल टीवी पर ही ऐलान कर दिया है कि वो उनके प्यार में है। बिग बॉस 13 में असीम रियाज को पहली नजर में ही हिमांशी खुराना से प्यार हो गया था। शो खत्म होने के बाद भी दोनों आज भी फैंस को कपल्स गोल्स देते ही रहते हैं। इसी सीजन में एजाज खान और पवित्रा पुनिया को भी प्यार हो गया था। ये कपल इन दिनों लिविंग रिलेशनशिप में है और जल्द ही दोनों की शादी भी होने वाली है। गीत सुकेरा और रोशेल राव बिग बॉस में आने से पहले ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शो के दौरान दोनों ने एक दूसरे को और भी करीब से जाना और शो खत्म होने के कुछ ही महीने बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत बिग बॉस 10 में मोनालिसा और मनु पंजाबी का नाम खूब जुड़ा, लेकिन मोनालिसा ने बाद मौके पर ही संभाल ली और शो पर ही उनकी और मंगेतर विक्रांत की शादी हुई। किश्वर मर्चेंट और सुयश राय, किश्वर और सुयश की मुलाकात बिग बॉस 9 में हुई थी। दोनों को प्यार का एहसास हुआ और आज तक दोनों साथ हैं। किश्वर और सुयश की शादी हो चुकी है और जल्द ही इस कपल के घर नन्हा मेहमान भी एंट्री मारने वाला है। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी, अगर कहा जाए कि प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की जोड़ी लाखों में एक है तो गलत नहीं होगा। बिग बॉस के 9वें सीजन में दोनों को प्यार हुआ और अब तो दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। पुनीश शर्मा और बंदेगी कालरा का इश्क हमेशा चर्चा में ही रहा। दोनों का रोमांस देखकर तो कई बार सलमान खान भी इन्हें टोक चुके थे कि वो नेशनल टीवी पर खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखें। राहुल वैद्य और दिशा परमार, बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य ने फैसला लिया कि वो अपनी खास दोस्त दिशा परमार संग जिंदगी बिताएंगे। राहुल वैद्य ने दिशा परमार को नेशनल टेलीविजन पर ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था।